हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। चेहरे पर अगर डेड स्किन की लेयर जमी हो तो हमारी स्किन पर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टाइम टू टाइम डेड स्किन को उतारना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी स्किन जो है वो प्रॉपर हेल्थी और ग्लोइंग रहे। सो आज की फुल वीडियो होने वाली है फेस स्क्रबिंग के ऊपर। फेस स्क्रबिंग को लेकर बहुत सारे डाउट्स एंड मिथ्स हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी, और फेस स्क्रबिंग करने का सही मेथड क्या होना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि जो फेस स्क्रबिंग होती है वो किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए। सो अगर आप अपनी फेस पर स्क्रबिंग करते हो तो कभी भी अर्ली एज से इसको शुरू मत कीजिए। 18 साल की उम्र से पहले फेस स्क्रबिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन यंग होती है और उसमें इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप ही जल्दी जल्दी उसकी डेड स्किन उतर जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जो डेड स्किन है वो हमें खुद को रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप जल्दी नहीं उतर पाती। सो 18 ईयर्स से पहले फेस स्क्रबिंग। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन कि फेस स्क्रब कौन सा यूज करना चाहिए। चाहे तो आप मार्केट वाला ले लो, चाहे तो आप घर में बना लो, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज होनी चाहिए। जो स्क्रब होता है ना, स्क्रब में दाने दाने से होते हैं तभी वो स्क्रब होता है, लेकिन वो जो दाने दानेदार चीज होती है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होनी चाहिए। बहुत माइल्ड और सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, इतने सॉफ्ट कि वो आपकी स्किन पर बिल्कुल जेंटल हो। अगर आप हार्श ग्रेन्यूल्स वाला स्क्रब यूज करते हो अपनी स्किन पर, चाहे वो मार्केट वाला हो चाहे वो घर वाला हो, वो क्या करेगा, आपकी डेड स्किन तो रिमूव कर देगा, लेकिन जो आपकी सेकेंड जो न्यू स्किन होगी, जो फर्स्ट लेयर होगी आपकी ओरिजिनल लेयर स्किन की, उसको भी वो हार्म करेगा, जिससे आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्किन पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, आपकी स्किन के जो टिश्यूज है वो हल्के हल्के ब्रेक हो सकते हैं। सो सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स इज मस्ट। अब ये बहुत ही टिपिकल और कॉमन क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर ना आज तक मैं मतलब गारंटी से बोल सकती हूँ आपको कभी अप्रोप्रिएट नहीं मिला होगा, लेकिन आज मैं लॉजिक के साथ आप लोगों के साथ इसका राइट आंसर बताऊंगी। तो क्वेश्चन ये है कि स्क्रबिंग जो है चेहरे पर हफ्ते में कितनी बार हम कर सकते हैं। तो कोई कहता है 2 बार कर लो, कोई कहता है 3 बार कर लो, कोई कहता है 1 दिन छोड़ के कर लो, ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि जो फेस स्क्रबिंग होती है उसको हमने इसी तरह से नहीं करना होता, ये हमने अपनी स्किन को देखकर करना होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको खुद लॉजिक समझ में आएगा। कईयों की स्किन का जो ये जो टेक्सचर होता है ना, काफी थिक और मोटा होता है। आपने नोटिस किया होगा कईयों की स्किन बहुत मोटी होती है, यहाँ पर बहुत टाइट टाइट मोटी मोटी सी स्किन होती है, लेकिन कईयों की यंग एज में भी स्किन बहुत पतली होती है। अब मोटी स्किन वाला अगर स्क्रब कर रहा है हफ्ते में 3 बार भी, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पतली स्किन वाला अगर हफ्ते में 3 बार स्क्रब करेगा, तो स्क्रबिंग से क्या होता है, हमारी जो पतली स्किन ऑलरेडी पतली है वो और लूज और वो और ढीली होनी शुरू हो जाती है। बहुत इजीली आप पता लगा सकते हो कि आपको अपनी स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंगली स्क्रबिंग करनी है। अगर तो आपकी स्किन जो है बहुत मोटी और टाइट टाइट सी है, बहुत थिक स्किन है आपका स्किन का टेक्सचर, तो हफ्ते में आप 2 से 3 बार कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत थिन है तो आपने इसको हफ्ते में 1 बार ही करना है। एंड सेकेंडली, अगर आपकी एज्ड स्किन है, अगर आपकी स्किन ऑलरेडी 40 प्लस हो, या आपकी स्किन ऑलरेडी लूज है, या आपकी स्किन ऑलरेडी थिन है, तब भी आपने स्क्रबिंग ज्यादा नहीं करनी है, हफ्ते में 1 बार एनफ है। और अगर आपकी स्किन पर एक्ने और पिंपल्स हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी आपने यही रूल अप्लाई करना है, आपने अपना स्किन का टेक्सचर देखना है। आपने ये नहीं देखना कि आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं या एक्ने हैं, आपने देखना है आपकी स्किन थिन है या आपकी स्किन मोटी है। और लास्ट वन की स्क्रबिंग करने का राइट मेथड क्या है, बहुत सिंपल है, जैसे हम करते हैं वैसे ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम बीच में से स्किप कर जाते हैं, जिसको मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो फेस स्क्रबिंग करने से सबसे पहले हमने अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। गंदे चेहरे पर कभी भी फेस स्क्रबिंग नहीं करनी। मैंने फेस वॉश से चेहरा धो लिया है और उसको गीला ही रहने दिया है, मतलब अपने चेहरे को अपने ड्राई नहीं करना है। गीले गीले चेहरे पर ही हम फेस स्क्रब लगाएंगे। मैं बायोटेक का फेस स्क्रब ले रही हूँ, आप कोई भी जो आपको सूट करता है आप ले सकते हो। जिस तरह से हम फेस पैक लगाते हैं उस तरह से हमने इसके ऊपर अपने पूरे चेहरे पर इसको स्प्रेड कर लेना है, सिर्फ आईज वाला पार्ट जो है हमने छोड़ देना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो सॉफ्टन अप हो जाए और वो जब हम स्क्रब करेंगे अपने चेहरे पर तो वो अच्छी तरह से डेड स्किन को उतार दे। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब इसको लगा लेने के बाद मैं 2 से 3 मिनट इसको एज इट इज़ ही रखूँगी और उसके बाद मैं स्क्रबिंग करूँगी। अब स्क्रबिंग में हमने सबसे पहली जो चीज़ करनी है, हमने अपना नोज़ एरिया स्क्रब करना है, क्योंकि जो नोज़ एरिया होता है वहाँ पर हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या यहाँ पर गंदगी ज़्यादा जमती है, तो यहाँ पर हमने स्क्रब करना है। और ये वाला पोर्शन जो होता है बहुत जेंटली स्क्रब करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा हम स्क्रब करेंगे ओपन पोर्स हो सकते हैं। और बाकी जो स्किन है हमारी फेस की वहाँ पर भी बहुत हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर हमने स्क्रबिंग नहीं करनी, सर्कुलर मोशन में सिर्फ 1 to 2 मिनट्स हमने लगाने हैं इस पूरी प्रोसेस को। और जेंटली हमने पूरे फेस को स्क्रब कर पानी से इसको धो लेना है। पानी से धो लेने के बाद हमने इसको डैप डैप करके अपने फेस को ड्राई कर लेना है। कभी भी फेस को टॉवल से रगड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन इस टाइम पर सेंसिटिव हुई होती है, रगड़ेंगे तो ऑब्वियसली ओपन पोर्स, लूज स्किन, स्किन ख़राब हो सकती है। तो ये हो गई मेरी स्किन ड्राई। अब इसके बाद जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, अपने चेहरे पर रोज़ वाटर ज़रूर स्प्रे करना। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं, आप कोई भी टोनर, जेंटल टोनर स्प्रे कर सकते हो, ताकि हमारी स्किन का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर तो सर्दियां हैं अपने चेहरे पर फेशियल ऑयल लगा लीजिए 1-2 बूंदें। अगर गर्मियाँ हैं तो आप अपना कोई भी फेस मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो वो अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। ये सारी प्रोसेस हमने फेस स्क्रबिंग की करनी है और यही प्रोसेस हमने फॉलो करनी है जिससे हमारी स्क्रबिंग जो है वो कंप्लीट होती है। और इसको स्प्रेड करने के बाद आप चाहो तो फेस पैक भी लगा सकते हो, वो ऑप्शनल है। अब मॉइस्चराइजर या फेस ऑयल लगाने के बाद लास्ट स्टेप आप फॉर बेटर रिजल्ट्स कर सकते हो, फेस पैक लगाकर। अगर आप स्किन का टेक्सचर और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो या आपके पास टाइम है तो ज़रूर फेस पैक लगाइए। इससे आपकी सारी स्क्रबिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन फॉर मोर बेटर रिजल्ट्स आप फेस पैक जरूर अप्लाई कीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फेस स्क्रबिंग। होपफुली आपके सारे मिथ्स और डाउट्स फेस स्क्रबिंग को लेकर क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय, लव यू ऑल।